हेलो गाइज, हेलो माय स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो टेप संबंधित है। टेप पर क्या होता है, किसी सिलेंड्रिकल या गोल जाब में एक समान दर से घटोत्तरी या बढ़ोतरी की दर को हम क्या बोलते हैं, टेपर बोलते हैं। तो टेपर जो है वो कई टाइप से काटा जाता है, और जो मैंने आपको पहले बताया था वो आपको कंपाउंड स्लाइड विधि से कैसे टेपर काटते हैं उसके बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया था। आज जो है जितने प्रकार बचे थे उनके बारे में आपको आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। टनर के साथ साथ फिटर मशीनिस्ट में भी ये है, क्योंकि आपका जो लेथ मशीन है वो आपके टर्नर फिटर मशीनिस्ट तीनों में है। टर्नर तो ऑलरेडी सीखा ही होता है, और मशीनिस्ट में आपका क्या है, अलाइटेड होती है। फिटर में भी क्या है, अलाइटेड होती है। उसमें 2-3 महीने का कोर्सेज होता है जो आपको लेथ मशीन संबंधित होता है। तो वहाँ भी आपको सारे ऑपरेशन वही करने हैं जो आपको टर्नर में करने हैं। तो आपके कितने तरह से टेपर काट सकते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। पहले हम चौड़े सिरे वाले फार्म टूल द्वारा सिरे से, इसमें सिरे को टेपर के आधे कोण पर ग्राइंड किया जाता है, और टूल को जाप की धुरी के साथ 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, बांध देते हैं। इसमें केवल क्रॉस स्लाइड को फीड दे करके टेपर काट जाती है। ध्यान दें, जो क्रॉस स्लाइड होती है उसी को फीड देते हैं, क्योंकि उसी को आगे बढ़ाना होता है, वो आगे लगता रहता है, वो जो है साइज बन जाता है। वो कैसे बन जाता है भी मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा आपको। इस विधि में क्या है, टेपर काटते समय खड़खड़ाहट व धड़कन होती है। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया टूल पकड़ता है, इसलिए वाइब्रेशन होती है। जितना टूल ज़्यादा पकड़ेगा उतना वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, जितना टूल कम पकड़ेगा उतना वाइब्रेशन कम होता है। जैसे देखा होगा आपने टूल में, आप जो कट ज़्यादा लगाते हैं तो देखा होगा मशीन वाइब्रेट करती है, हल्का कट लगाते हैं तो फिनिशिंग सही आती है, और मशीन वाइब्रेशन नहीं करती है, जो वाइब्रेशन नहीं करता है। ठीक है, इस विधि के समय मशीन की गति कम कर देनी चाहिए, और इस विधि में नट बोल्ट इत्यादि की चैम्फर की जाती है। नट बोल्ट की छोटे छोटे जैसे कि नट होते हैं, बोल्ट होते हैं, उन पर चैम्फर यानी टेपर लगाने का वर्क होता है। जैसे समान रूप समझ लीजिए, बात आई चौड़े सिरे वाला, तो इसमें क्या है, फार्म टूल लगा कर। फार्म टूल का मतलब होता है कि जैसे हमारा ये जॉब है, ये हमने जॉब बना दिया, अब मुझे इसमें टेपर काटनी है, तो क्या होगा, टूल को मैं क्या करूँगा, ये आपको ऐसा लगा करके, ये आपका टूल का स्ट्रेटनेस है होगी, इसको टेपर बना दूंगा इस टाइप से। अब ये मान लीजिए ये साइज हमारा जो टूल का जो एंगल है ये वाला, ये मान लीजिए 45 डिग्री है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर क्या है भाई, इस टाइप से ये है आपका, इस टाइप से एंगल बनेगा, तिरछा बन जाएगा इस टाइप से, इस तरह से इसमें टेपर लगेगा। अर्थात जैसे हम नट बोल्ट बनाते हैं तो देखा होगा, जबकि डाई चढ़ानी है तो बोल्ट पर कैसे चढ़ेगी, बोल्ट पे आप चैम्फर मारते हैं तो वो चैम्फर ना होकर सीधे टेपर हो जाएगा, ठीक है। और आपका नट होता है तो उसके अंदर साइड में क्या करते हैं, हल्का चैम्फर लगाते हैं ताकि टैप उसमें आराम से एंट्री हो जाए। तो ये जो है क्या है, ज़्यादा बड़े टेपर नहीं काटते, इसमें छोटे छोटे टेपर हम काट सकते हैं, किससे, टूल की सहायता से। इसमें क्या होता है कि टूल जो है ज़्यादा एरिया पकड़ता है जॉब का, ज़्यादा जॉब का एरिया पकड़ने से क्या है, इसमें जब कटिंग करता है तो कटिंग करते समय लोड पड़ता है इस पर, ज़्यादा एरिया को काटता हुआ चलता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, जॉब में वाइब्रेशन धड़कन होती है, इसलिए मशीन को कम स्पीड पर चलाना चाहिए, ठीक है, ताकि वाइब्रेशन को रोक हो जाए। वाइब्रेशन जब होती है तो जॉब के ऊपर चटरिंग आ जाती है, देखा होगा आपने इसमें चटिंग चटिंग के स्टेप सी जो है, लाइन सी स्टेप स्टेप से बनते हैं, उसे चटरिंग बोला जाता है। सेकेंड नंबर पर आता है टेल स्टॉक को विकेंद्र करके। ये क्या होता है, आप जानते हैं कि लेथ मशीन का जो टेल स्टॉक है उसको छोटा हेड स्टॉक भी बोला जाता है। जो काम हम टेल स्टॉक से करते हैं, कुछ काम हम हेड स्टॉक से करते हैं। हेड स्टॉक तो मेन है, हेड स्टॉक से आप टेल स्टॉक लगा हुआ है लंबी जगह को सहारा देने के लिए, ठीक है, सेंटर लगाने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, रिमिंग करने के लिए, बहुत हमारा जो है टेल स्टॉक हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है कि पढ़ लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। इसमें जॉब की धुरी की स्थिति बदल जाती है, ध्यान दें, जॉब की धुरी की यानी कि जो जॉब घूम रहा है उसकी धुरी की स्थिति बदल जाती है, यानी जिस जो टेपर काटना उस टेपर में चली जाती है। अर्थात जॉब की धुरी मशीन की धुरी के साथ क्या होती है, एक कोण बनाती है, वो अभी आपको मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा। अभी इसकी बॉडी के दोनों ओर क्या है, ये चीज़ है, इसमें खास बात लिखी है, ये लिखा है ऑफ सेटिंग स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है, ये कैसे लगे होते हैं, इनके द्वारा टेलीस्कोप के सेंटर को बेड के समकोण पर खिसका लेते हैं। इसमें एक सूत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और सूत का प्रयोग करके हम जो है क्या करते हैं, टेपर को काट लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे टेलीस्कोप है आपका, ठीक है, ये टेलीस्कोप का हिस्सा यहाँ लीजिए यहाँ पर है। इसमें क्या होता है, टेलीस्कोप में आप जानते हैं इसमें यहाँ पर क्या स्पिंडल लगा हुआ है, इसके अंदर, या इसके अंदर एंट्री होता है ये, ठीक है, स्पिंडल बैरल होता है, इसके अंदर घुसा होता है, देखा होगा आपने, बाहर निकलता है जब हैंडल घुमाते हैं यहाँ से हम, ठीक, तो क्या होता है ये आपका अंदर बाहर निकलता है। आप जानते हैं टेलीस्टॉक के आपके स्पिंडल में क्या होती है, अंदर साइड में क्या होती है, उल्टी चूड़ी होती है, देखा आप राइट घुमाते तो पीछे आता है और उल्टा घुमाते तो वो आगे जाता है,
उसका बैरल आगे बाहर निकलता है, निकलता है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे आपका ये टेलीस्टॉक एडेड है, इसके साइड में देखेंगे आप यहाँ दो स्क्रू लगे होते हैं, ये दो भागों में होता है टेलीस्टॉक। यहाँ पे पीछे प्लेट लगी होती है और ऊपर इसमें इस प्लेट से जुड़ा होता है। तो क्या होता है, इसके साइड के हम नट जो है क्या करते हैं, बोल्ट को ढीला कर लेते हैं। ढीला करके क्या होता है, इसके पीछे साइड में जहाँ पे हैंडल लगा हुआ देखेंगे, यहाँ पे इसके सेंटर लाइन में यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 1 2 3 इस टाइप से इसमें निशान बने होते हैं एमएम के। इसमें क्या होता है, बहुत लंबी जाब की टेपर काटी जाती है, लंबी लंबी टेपर काटते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है, आपकी जो जॉब है वो आपकी तिरछी हो जाती है, इसमें स्वतः से तिरछी हो जाती है, लेकिन टूल आपका बैठ के समानांतर चलता है, अर्थात वो खुद ही उसके साइड से एंगल बनाता है। जब काटता हो जाएगा तो वो इसी को तिरछे साइड पे भी एंगल काटता हो जाएगा। तो क्या है, इसके नट डिले करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टॉक करके मान ली हमको 1 mm की या 2 mm की या 1.5 mm की टेपर काटनी है, तो इसको इधर से खसका लेते हैं। जब खसकाते हैं तो जो आपका बंधा हुआ है चक के अंदर, इधर हम सेंटर लगाते हैं, उसमें फंसा हुआ है, तो जब लोड पड़ता है तो वो थोड़ा सा यूं हो जाता है, इस तरह से तिरछा हो जाता है, अर्थात वो बैठ के समानांतर होते हुए भी क्या है, बैठ के समानांतर एक कोण एंगल बना लेता है। जब तिरछा हो जाएगा, ये आपकी पेनल्टी है एक चीज की, ठीक है। तो यहाँ से हम फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ये इस टाइप से थोड़ा सा ऐसा एंगल हो जाएगा। वो एंगल कैसे होगा, जब इसको ऑफसेट करेंगे उस विधि के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टेलीस्टॉक को ऑफसेट को करने के लिए नियम है कि हमें जॉब कितना लंबा है, जॉब में कितनी लंबाई में टेपर काटनी है, तो वो आपकी गुड़वा किससे होगी, उसकी लंबाई से मोटाई से होगी। जैसे पूर्व में आपने कंपाउंड साइड्स किया था, बड़ा डाया माइनस छोटा डाया, ठीक है। जॉब की लंबाई या टेपर की लंबाई, दो स्थिति होती है लंबाई में, एक जॉब की लंबाई होती है, एक टोटल जॉब की लंबाई होती है। टोटल जॉब की लंबाई कैपिटल एल होती है, और जितने में टेपर काटना है उसकी जो है उसको छोटे एल से दिखाते हैं। तो अब ध्यान दें, ऑफसेट का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एल गुणा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2L। अब इसमें देखिए क्या क्या फीचर है ये, ठीक है। एल जो है क्या है, इसमें जाप की कुल लंबाई, ध्यान दें जाप की कुल लंबाई, यानी जाप हो सकता है आपका 100 mm का हो, तो जॉब की टोटल लंबाई है इसमें, ठीक। जैसे आप देख रहे थे ऑफसेट वृद्धि क्या थी आपकी, एल कैपिटल डी स्मॉल डी बटे 2L, इसमें एल आपका जाप की कुल लंबाई थी, डी टेपर का बड़ा व्यास था, डी छोटा वाला छोटा व्यास था, और एल जो है टेपर की कुल लंबाई, जितनी लंबाई में टेपर काटना है। जॉब तुम्हारी 1 मीटर की हो सकती है, 2 मीटर की हो सकती है, लेकिन हमें क्या है, जॉब जितना काटना उतनी लंबाई लेनी है हमें, उसको वहाँ तक ही लिखना है। जितना टेबल की लंबाई लेंगे उसकी गुणा भाग करेंगे, तभी हमें बताएगा कि टेबल हमारा कहाँ तक जा रहा है। टेबल की विशेषता है, जितनी हम कैलकुलेशन करेंगे, सपोज करो 2 डिग्री निकल के आई है, तो 2 डिग्री उतनी जगह तक जाएगी जो आपने मोटाई, छोटी मोटाई, बड़ी मोटाई और लंबाई को कैलकुलेट किया है, उससे अगर टूल आपका जाएगा टेबल काटना बंद कर देगा। आपकी पूरी लंबाई में टेबल काटनी हो तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आपकी पूरी लंबाई मतलब जो आपके पास 1 मीटर की है, मुझे चाहिए क्या नाम है उसमें से आधा मीटर की, तो क्या अगर हमने पूरा जो बांध लिया, तो आप तिरछा कर दोगे उसे, टेलीस्टॉक से डिस्टर्ब कर दोगे, तो जितनी लंबाई में टेपर जाना वहाँ तक जाएगा, क्योंकि वो तो आगे तो फालतू है मेरे पास, मुझे पूरा आधे मीटर में काटनी, तो आधा मीटर तो मैं जो है टेपर काट लूँगा आसानी से। तो फार्मूला अपनाएंगे उसमें, बड़े डी में से स्मॉल डी क्या करेंगे, घटाएंगे और 200 से भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मान लो मेरे पास क्या नाम है, बड़े डी जो है 40 की है, ठीक है, और छोटी जी मान लीजिए मेरे पास 30 की है, ठीक। तो 40 ये यहाँ पर 2 आ गया, डिवाइड कर दिया मैंने, तो कितना बचा भाई यहाँ पे, 10/2 बच गया, कितना आएगा, 2 × 5 = 10 आ गया। अब 5 का आधा कितना हो गया, 2.5 हो गया, कितना हो गया, 2.5, यानी 2.5 mm हो गया बेटा ये। तो अब क्या होगा इसमें 2.5, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस आपके टेलीस्टॉक में निशान बने होते हैं mm के, 1 2 3 4 5 ऐसे बने होते हैं। तो क्या करेंगे, जिधर साइड को जिस एंगल से हमें काटना उधर साइड को हम थोड़ा सा टेलीस्टॉक खसका देते हैं, और वहीं टेलीस्टॉक को बोल्ट टाइट कर दिया, उसका लोग ऊपर से आपको इस बैरल को आपको टाइट कर दिया, और वो आपको फिक्स हो गया, आप लगातार उस पर टेपर काट सकते हो। तो ठीक है, पूरी लंबाई में टेपर काटने का वो तरीका होता है। और बाकी इसमें आप जानते ही हैं, जितनी लंबाई में टेपर काटना है तो छोटा एल लगाएंगे, तो उसके हिसाब से अलग कैलकुलेशन आएगी। ये आप समझ गए होंगे इसके बारे में। लेकिन इसकी जो है डीमेरिट क्या होती है, अधिक लंबाई तक टेलीस्टॉक से टेपर काटा जा सकता है, लेकिन इसकी डीमेरिट ये होती है कि हम किसी जॉब के अंदरूनी भाग में टेपर नहीं काट सकते। खाली जॉब, जैसे हमारा जॉब है ये, तो जॉब के बाहर से भी टेपर काट सकते हो इससे, ठीक है। हम चाहे जॉब के अंदर टेपर काट लें, ठीक है, जॉब के अंदर टेपर नहीं काटा जा सकता, इसकी डीमेरिट है, ठीक है। और विशेषता यही है कि इसकी अधिक लंबाई तक हम टेपर काट सकते हैं, छोटी लंबाई का भी टेपर काट सकते हैं, ठीक है। छोटी का तो कंपाउंड साइड से ही काटा जाता है, लेकिन
बड़े जो है टेलीस्कोप से काटे जाएंगे। अगला आता है आपका पेपर टर्निंग अटैचमेंट, ये बहुत शुद्ध वाला काम करता है। इसकी विशेषता क्या, ध्यान से समझ लेना, इस विधि में क्रॉस स्लाइड को चलाने वाले स्क्रू को उतार दिया जाता है। ध्यान दें ये चीज क्या आई है, स्क्रू, क्रॉस स्लाइड, समझ रहे हैं आप। क्रॉस स्लाइड में देखा होगा आप क्लास से चलाते हो, हैंडल लगा होता है उसमें, आपके क्या है स्क्रू लगा होता है, स्क्रू मतलब एक तरह स्पंडल जो कि आपको स्लाइड को रन कर रहा है, कर रहा है रन, क्या आते हैं उस स्लाइड के जो स्क्रू है उसको निकाल लिया जाता है। अब स्लाइड आपकी फ्री हो गई, उस स्लाइड को फ्री वाली स्लाइड को क्या करते हैं आगे बताता हूँ फिर आपको मैं, उसको लैथ मशीन के पीछे वाले फिट हुए अटैचमेंट के स्लाइड ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि जहाँ पे आपकी ये स्लाइड है, इस स्लाइड में देखा होगा लास्ट टाइप पार्ट टाइप में यहाँ पे एक बी ऐसा खांचा बना हुआ है, आई होल टाइप का बना है, पीछे साइड में बना होता है इस टाइप का, नहीं बना होता है तो अलग से होता लगा हुआ तो उसको हटा दिया जाता है, जब काम करते हैं उसको लगा लेते हैं। अब क्या होता है इसमें देखो, बता रहा हूँ मैं इसमें स्लाइड में इसमें क्या संबंध होता है आपस में, लिखा स्लाइड ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है, इस पूरी को क्रॉस को यहाँ से जोड़ देते हैं, इससे कैसे जोड़ते हैं, यह स्लाइडिंग ब्लॉक के लेथ के कैरी चलाने पर चल जाता है। यानी कैरी चलाओगे तो आगे चलेगा ऑटोमेटिक, वो तो कैरी चलाना तो कैरी के साथ तो पूरी चीज चलती है, कैरिज का मतलब ये कैरी मतलब ले जाने वाला, जो भी सामान लगा उसमें सब चलेगा, इसलिए उसे कैरिज बोला जाता है। कह रहा है इसमें अटैचमेंट के आधार पर स्लाइड प्लेट को 16 डिग्री तक दाएं बाएं सेट कर सकते हैं, क्रॉस स्लाइड को फ्री करके गाइड ब्लॉक कैरिज पर चलाया जाता है। क्या करते हैं जब ये फ्री हो जाती है तो ये क्या है इससे कनेक्ट हो जाती है, इससे कनेक्ट हो जाती है, फिर क्या होता है इस स्लाइड में जैसे कि आपकी कंपाउंड स्लाइड में निशान बने होते हैं, स्लाइड के पीछे यहाँ भी निशान बने होते हैं, उसे हम घुमा करके वहीं उसे उतने एंगल पर सेट कर लेते हैं। अब क्या होता है उसका मतलब आपके क्रॉस स्लाइड से ख़त्म, अब जैसे हम कैरेज जैसे जैसे कैरेज चलाएंगे उसी हिसाब से वो टूल अपने हिसाब से रन करेगा, उसमें कैसे करेगा, क्रॉस स्लाइड को फ्री जब कर लेते हैं तो क्या कह रहा है गाइड ब्लॉक कैरिज पर चलाया जाता है, इसमें अटैचमेंट गाइड प्लेट के अनुसार क्रॉस स्लाइड को आगे पीछे करता रहता है, इसमें गाइड प्लेट का कोण सेट करने के लिए जो है ये सूत्र यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है टेन थीटा इक्वल टू कैपिटल डी स्मॉल डी बटे 12, बड़ी डी छोटी डी और लंबाई, लंबाई कौन सी आपकी टेपर की लंबाई, ये आपका दे रखा है टेपर का छोटा व्यास और इसमें लंबाई जितनी लंबाई में टेपर काटनी होती है। इससे आप समझ रहे होंगे कि हमें कैसे इसको अटैचमेंट करना होता है। जब यहाँ पे हम अटैचमेंट लगाते हैं कॉपिंग वाला, अटैचमेंट लगाने में क्या होता है कि जब हमारा ये टूल यहाँ पर रन करता है, इसके टूल पोस्ट पर रन करता है, टूल यहाँ पे कम इसके ऊपर टूल लगा होता है, ठीक है, जो भी आपकी यहाँ बंधी हुई है यहाँ पे अटैचमेंट लगाते हैं तो क्या होता है जो टेपर कटनी होती है वो टेपर के अकॉर्डिंग जितनी टेपर कटनी होती है अपने आप इस तरह से वो इसमें रन करती है। अभी देखो अगला स्टार्ट करते हैं हम, जैसे अभी ये पूर्व बताया आपको, हमने आपको टेलीस्कोप के बारे में बता दिया और आपको अब बता रहे हैं आपको कॉपिंग अटैचमेंट, ठीक है। कॉपिंग जैसे आपके नाम से भी देते हैं कॉपी करना, किसी चीज़ की कॉपी करना, जैसे कि कॉपी का मतलब जैसे अभी सेकेंड वाले बच्चे आपका क्या है टेबल वाली एक जॉब बना रहे हैं, तो वो टेबल वाली जॉब है इस कॉपिंग अटैचमेंट सिस्टम में, जहाँ मैंने बताया था क्रॉस लाइट के आपके फ्रंट वाले हिस्से में वही सिस्टम में कॉपिंग में बांध दी जाती है और आपकी स्लाइड क्या होती है फ्री हो जाती है। अब क्या होता है जब आपका क्या हो है जब आपका कैरेज चलता है ऑटोमेटिक विधि से, तो उसके पीछे जो मास्टर पीस लगा हुआ है क्या होता है वो टूल क्या करता है जहाँ पर टेपर है वो टेपर पर जाएगा सीधे अपने आप ही, वो स्लाइड अपने आप ही आगे चली जाएगी। क्यों, स्लाइड किससे चल रही है आपकी अटैचमेंट द्वारा कनेक्टेड है, क्योंकि हमने क्या है उसका हैंडल निकाल दिया, उसका स्पेंडल हमने निकाल दिया, वो फ्री है ना, तो वो फ्री है तो कैसे चलेगी, वो चलेगी कॉपिंग अटैचमेंट के अकॉर्डिंग, वरना स्लाइड लगी होती तो वो आगे पीछे अपने हिसाब से चलती। अब वो कॉपिंग अटैचमेंट क्या फ्री है तो अपने जहाँ टूल ऐसा रन करेगा ऐसे चलेगा तो वैसे ही वो जो है आपकी कंपोनेंट स्लाइड रन करेगी, पीछे वाली स्लाइड रन करेगी। वही इसमें बता रहा है क्या, लैथ मशीन के क्रॉस स्लाइड पर कॉपिंग अटैचमेंट लगा देते हैं, इसमें बैड के पीछे लगे सेंटर के बीच में जाप के अनुसार टेम्पलेट लगाया जाता है, टेम्पलेट मतलब टेपर टाइप का होता है टेम्पलेट, जैसे कि हमारा टेपर होता है उस तरह से टेम्पलेट को लगाया जाता है, कॉपी एक तरह से नकल कॉपी वाला। इसमें फिर क्या है लिखा कि अटैचमेंट का ट्रेसर लगा देते हैं और जब कैरिज को चलाते हैं तब ट्रेसर जाप के साथ स्लाइड करता है, जैसे बता रहा था आपको जाप के साथ ही वो स्लाइड करेगा चलेगा जाप के साथ साथ। अब क्या है जिसमें ट्रेसर को लगे बल्ब अटैचमेंट के पिस्टन को आगे पीछे गति करते हैं, इसमें जाप पर क्या है टेम्पलेट के अनुसार टेपर इसमें कट जाती है। जैसे उदाहरण तौर पर आप देखिए कि जैसे कि मान लीजिए जाप है हमारे पास, ठीक है, ये जाप था इस टाइप से, इसमें इस टाइप की टेपर थी ऐसे करके, ठीक है,
अब क्या है, एक मास्टरपीस का पीछे लगा दिया जाता है। इसमें टूल क्या होता है, ये टूल यहाँ पर लगा होता है उसके अटैचमेंट के अकॉर्डिंग। जो वहाँ पर कहाँ बंधा हुआ है आपका जॉब टेलिस, तो आपके जो किसमें बंधा हुआ है, चक में बंधा हुआ है। ये तो आपकी कॉपी वाला चीज है और ये आपका जॉब है। तो आपकी टेबल कहाँ कटेगी, टेबल इस पर कटेगी ना। तो ये टूल जो होता है क्या करता है, ये टूल इसके ऊपर, ये जो ब्लेंड टूल होता है ऐसी, मतलब खाली डिमोशन वाला होता है। तो क्या होता है, ये इससे कट पे चलता है, ऊपर नीचे ऐसे कर चलता है, जहाँ जहाँ टेबल कटा वैसे चलेगा। अब क्या है, आपकी स्लाइड इससे कनेक्टेड है, आपकी क्रॉस स्लाइड कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड है तो ये इससे जब कनेक्टेड है तो ये भी क्या होगी, ये भी वैसे चलेगी जैसे कि आपका ये वाला टूल चलेगा। तो जैसे चलेगा टूल ऐसे, तो ये भी ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे ऐसे करके अपनी गति करता रहेगा। जैसे ये चलेगा कॉपिंग पर, वैसी कॉपी इस पर होती रहेगी। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन वर्क होते हैं। कुछ मशीनें जैसे कि कहाँ पे शाफ्ट एक्सल बनते हैं, बड़ी बड़ी शाफ्टें बनती हैं, तो वहाँ पे कॉपिंग अटैचमेंट के द्वारा ये काम किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्टली वर्क का वाला काम है, प्रोडक्शन वाला वर्क है। ठीक है, हम लोग क्या जनरली कैलकुलेशन कर करके उस चीज़ को बना लेते हैं। वहाँ पे कैलकुलेशन करते रहेंगे तो बहुत समय लग जाता है, उठाया क्या होता है, उनके प्रोडक्ट में ऑलरेडी पीस बने होते हैं और बार बार सप्लाई मिलती है उनको, बार बार उनको ऑर्डर मिलते हैं, तो वही पीस कंपोनेंट लगा देते हैं। कंपोनेंट लगाया उन्होंने, पहले उसकी डैमेज चेक कर लेते हैं वो सही है कि नहीं है, और वो कंपोनेंट लगा दिया और प्रोडक्शन में जॉब लगा दिए और डायरेक्टली मशीन कर दी ऑन, फटाफट टर्निंग कर दी। उसकी टर्निंग करने के बाद सीधे से टेपर काटना है, उसमें जो और भी कट लग रहे हैं वो और भी उसमें ऑपरेशन होते रहते हैं। इस कॉपी की विशेषता ये नहीं कि टेपर ही काटना, इसमें जितने भी मशीन जितने भी जॉब के अंदर ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक ये टूल अपना भी उसमें करता रहता है। अगला आता है लंबाई में क्रॉस फिट दोनों का एक साथ दे करके, ये आपने पूर्व में करा भी है बच्चों ने, क्या किया था कि इस विधि में क्रॉस स्लाइड व सैडल को गराजी के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों एक साथ चलती रहती हैं। इस कारण टूल बेड के समानांतर नहीं चलता बल्कि कोण में चलता है तथा टेपर सरफेस बनाता है। ये क्या है, ये एक तो यह है कि जनरली हम लोग दोनों हाथ से काम करते हैं। कैसे करते हैं दोनों हाथ से, कि हमारे पास क्या है, क्रॉस है, क्रॉस स्लाइड है, और एक हमारे पास क्या है आपकी कंपाउंड स्लाइड है। दोनों क्या करते हैं, कंपाउंड स्लाइड को अपने क्या करते हैं ऐसे चलाते हैं और आपके कैरिज को ऐसे आगे चलाते रहते हैं। तो हमने टेपर काटना था, दोनों हाथों से उसको बराबर चलाएंगे। ठीक है, ये वहाँ पे करा जाता है जहाँ पे हमें फॉर्म टर्निंग करनी होती है, कोई विशेष भी शक्ल बनानी होती है, तो उनका कोई आधार नहीं होता है, बस एक क्या है, एक फॉर्म यानी कि एक शक्ल बनानी होती है। और अच्छी तरह से जहाँ काम करना है जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन में बात आई अभी कि गरारी लगाते हैं, जहाँ पे आपको क्या बता रहा था ये, इस विधि में क्या है, सैडल को गरारी के साथ जोड़ा जाता है, स्लाइड क्रॉस स्लाइड और सैडल को। सैडल क्या होता है, जो एच टाइप की आकृति होती है वो सैडल वाला हिस्सा होता है, उसी के साइड में क्या है गैरेज सिस्टम लगाते हैं। जब लगाते हैं तो आपकी क्रॉस स्लाइड और जो है कैरिज, आपका जो कंपाउंड स्लाइड है, वो दोनों एक से साथ साथ इससे चलती रहती है। स्पेयर बनाना है, गोला बनाना है, ये हाफ राउंड बनाना है, इलिप्स टाइप बनाना है, तो वो ऐसे ही आप बना सकते हो, इससे क्रॉस स्लाइड दोनों चला करके, क्रॉस साइड और क्रॉस फिट दोनों दे करके। ठीक है, थर्ड वाला है लास्ट में, जो आपको बता चुके हैं पूरा इस विस्तार से इसमें, यह है कंपाउंड स्लाइड द्वारा। सबसे सिंपल तरीका यही है, जो हम जनरली टर्निंग करते हैं सीखते हैं, तो कंपाउंड स्लाइड द्वारा ही सारे जॉबों पर हम क्या है टर्निंग करते हैं। आप जानते हैं कंपाउंड स्लाइड का जो सूत्र होता है वो आपका टेन थीटा वाला होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू होता है कैपिटल डी होता है माइनस स्मॉल डी होता है बटे 12 वाला एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें बड़ी डी यानी बड़ा व्यास, छोटी डी छोटा व्यास, एल टेपर की लंबाई, और दोष की जो है ये इंक्लूडिंग है उसमें ऑटोमेटिक एंगल बनता है। जो भी इसमें टेन थीटा का वैल्यू निकल के आता है, टेन थीटा जो मान निकल के आता है, जो पॉइंट ऑफ निकल के आता है, तो अब अपने कैलकुलेटर में या अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में आप जाएंगे, उसको टेन इनवर्स कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, तो वो आपका उतना एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने जाना कि टेपर हम लैथ मशीन पर कितनी विधियों से काट सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।